हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बेसिकली ये वीडियो होने वाली है एक व्लॉग। इस व्लॉग में हमने किया है सुला वाइन को एक्सप्लोर। गाइस, सुला वाइन नासिक में है। हमने ये जर्नी तय की थी पुणे से लेके नासिक तक। जर्नी अप्रोक्सीमेटली थी 5 घंटे की। बट गाइस, मतलब जो मजा आया ना जर्नी में, मतलब आप अभी देख पाओगे जो व्यूज। ये देखिए गाइस, एकदम अमेजिंग ऐसे व्यूज है पुणे से लेके नासिक तक। और ये जर्नी आप जब भी, मतलब आप जाना चाहोगे तब आप कार से ही जाना, आपको बहुत मजा आएगा। हम निकले थे दोपहर को और हमें पहुंचते पहुंचते हो गई वहां पे रात। तो गाइज, यहाँ पे ना बिल्कुल भी कभी भी सुला वाइन में आप नाइट के टाइम पे मत जाना, क्योंकि जो व्यूज है, जो नेचुरल व्यूज वहां पे है, वो दिन में ही आप इंजॉय कर सकते हो। नाइट में जाके, मतलब सच में ना आपको मजा आएगा। ये सारी आर्टिफिशियल लाइटिंग आपको दिखेंगी, उसमें कुछ मजा नहीं है। सुला वाइन्स का जो सारा मजा है वो दिन के उजाले में है, रात के अंधेरे में नहीं है। तो बिल्कुल भी नाइट में आप वहां पे जाने की ट्राई मत कीजिएगा। अभी हम पहुंच गए थे वहां पे नाइट के टाइम पे, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमने वहीं पे एक अच्छा होटल देख लिया और उस होटल में हमने स्टे कर दिया। और हमने सोचा कि चलो नेक्स्ट दिन जब दिन का टाइम होगा तब हम आएंगे और अच्छी तरह से पूरा सुला वाइन एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ थे हमारे एक अजीज दोस्त और उनकी थी वेडिंग एनिवर्सरी, तो हमने सोचा कि चलो होटल में जाते हैं, होटल में जाके वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। और हम चलते हैं फिर होटल में और होटल में जाके करते हैं सेलिब्रेशन स्टार्ट। इन दोनों को ना मैंने इतना परेशान कर दिया था होटल में, जैसे कि आप देख सकते हो। और दूसरे दिन हम निकल पड़ते हैं सुला वाइन यार्ड की तरफ। गाइस, वेदर इतना बढ़िया था उस टाइम पे, मतलब इतना मजा आया हमें, पूरा व्यू हम एंजॉय करते हुए चले गए। हम यहाँ पे आ चुके हैं सुला वाइन में। सुला वाइन के एंट्रेंस में हम खड़े हैं। ये हमारी सुकन्या अपना ही आनंद ढूंढते हुए छोटी छोटी चीजों में। ए चला, ऐसा नहीं करते ना बाबा। आगे खड़े खड़े। अरे कुछ तो भी लिखा हुआ है। ये वाले एडिट के लिए मुझे बहुत गाली पड़ने वाला है गाइस। गाइस, कितना अमेजिंग व्यू है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। तभी हम जाने वाले हैं वहां के एक रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में जाने से पहले गेम ऑफ थ्रोन्स वाली चेयर और ये सूर्य देव और ये बोतल का बहुत ही प्यारा ऐसा डेकोरेशन इन लोगों ने किया हुआ था। बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था कि व्लॉग कैसे बनाते हैं, क्या होता है व्लॉग में। तो हम कहीं पे भी हमारा कैमरा लेके जा रहे थे और उसे शूट करने की कोशिश कर रहे। हमें तो वीडियो बनानी है, हमें व्लॉग बनाना नहीं आता। जो भी ब्यूटीज़ दिख रही थी वो सारी ब्यूटीज़ हम कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो, यहाँ पे तो कैमरा घुसा ही दिया था भाई। भाई, कैमरा लेके ऐसी फील आ रही थी कि जैसे मैं शादी में कोई वीडियो शूट करने वाला वीडियोग्राफर हूँ।
ये सब लोग आराम कर रहे थे और हम हमारा कैमरा लेके घूमे जा रहे हैं इधर उधर, और ये अपना ही आनंद ढूंढते हुए। यहाँ पे अगर आपको वाइन टूर करना हो तो तीन अलग अलग प्राइजेस हैं इनकी, जैसे कि 200 रुपीज़, 600 रुपीज़ और 1500 रुपीज़ पर पर्सन। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है डिटेल में, पॉज करके भी पढ़ सकते हो। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें करना सही नहीं समझा। These all are wines over here. A historic place, just remember that this is not only the place, this is the emotions. Emotions regarding in not only regarding wine. I don't know the picture, but this is beautiful. I think my daughter will like it really. It's always wine o'clock. Okay, where this beautiful is going? I think she's going to serve the wine. Look at this image. That big bottles. Wow, this is amazing. Mala maithe idha asna mar karte गाइस। यहाँ पे है उनका स्टोर जहाँ पे वो आपको आपको जो वाइन चाहिए वो आपको दे देंगे। वाइन्स के रेट मतलब एज़ कम्पेयर टू बाहर यहाँ पे ज़्यादा सस्ते हैं। बाहर भी मैंने जाके एक बार देखा था कि सुला वाइन का प्राइस और यहाँ का प्राइस जब कंपेयर करते हो तो यहाँ पे वाइन सस्ती मिलती है। बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोर था।
देखिए कितना सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखा है। तो गाइज हमारी बेटी हमें इस जगह पे लेके आई थी जहाँ पे बहुत सारी बोतलें थी, बहुत अच्छे से सारी बोतलें रखी हुई थी, लेकिन हमें उतना ही डर लग रहा था, पता नहीं कब उसका मन बदले, सारी बोतलें निकाल दे, फोड़ दे। ट्रैवलिंग अलग जगह पे हो जाएंगी, फिर बाकी सारा खर्चा अलग जगह पे हो जाएगा, इसलिए हम डरते हुए कोशिश कर रहे थे कि उसे कुछ भी हो जाए यहाँ से लेके जाए कहीं। गाइस यहाँ पे बोतलें ऐसी रखी हुई थी ना, सच में जो बंदा जिसने कभी वाइन पी ना हो उस बंदे को भी इच्छा हो जाए कि भाई मैं पी लेता हूँ आज। इतना प्यारा डेकोरेशन यहाँ पे करके रखा था, इतने प्यारे तरीके से ये लोग मतलब ललचा रहे थे आपको। ये क्रैकर्स यहाँ पे रखे हुए थे, दो चार हमने ऐसे ही मार दिए, किसी का ध्यान नहीं था तो ले लिए। तो गाइस व्लॉग अगर यहाँ तक देख लिया है तो जाओ यार सब्सक्राइब भी कर दो, कि आपको तो पता है सब्सक्राइब करने से सपोर्ट मिलता है, कमेंट करने से मोटिवेशन और लाइक करने से दिल को खुशी। तो जाओ जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो। चलो गाइज व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। सुलावाइन एक बहुत प्यारी जगह है, आप यहाँ पे डेफिनेटली जाइए और एक्सप्लोर कीजिए, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत वर्सेटाइल रहने वाला है। बाय बाय गाइज।